जर्नी है, उन गुणों का अगर आपने डेवलप ही नहीं किया है तो आप कैसे एकाग्र होंगे ध्यान में। इसीलिए अति सूक्ष्म रूप से अंदर मुड़ना है, अंतर्मुखी होना है और अपने आप को इन सारे गुणों को खोजना है, देखना है कि मेरे अंदर में ये सब गुण डेवलप्ड हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो मुझे इस पर काम करना है, मुझे डेवलप करना है और डेवलप करके मुझे ध्यान समाधि तक पहुंचना है, नहीं तो आप कभी नहीं पहुँचेंगे। नमस्कार टू एवरीवन। प्रश्न ये है कि मैं 5 साल से, 10 साल से, 20 सालों से ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मुझे कोई अनुभव नहीं हुआ है। या कुछ लोगों का ऐसा प्रश्न है कि मैं ध्यान में एकाग्र नहीं हो पा रहा हूँ, जब ध्यान करता हूँ तो एकाग्र नहीं हो पाता हूँ, मेरा ध्यान लगता ही नहीं है, मैं गहरे ध्यान में जाता ही नहीं हूँ, मुझे कुछ भी अनुभूति नहीं हुई है। तो इन लोगों के लिए है, वो अपने आप को निरीक्षण करेंगे। मैं जो भी बातें अभी बताने वाला हूँ अपने आप को रिलेट करना है कि मेरी कमी कहाँ पे है, क्योंकि ये अध्यात्म की राह ऐसी है कि इसमें कुछ कमी हो जाए आपके अंदर तो डेफिनेटली आप इस अनुभव को नहीं पा सकेंगे। और इसको बताने के लिए मैं आज बुद्ध की अष्टांग मार्ग और पतंजलि की अष्टांग मार्ग इन दोनों की व्याख्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ और इन दोनों को रिलेट करके अपने आप को एग्जामिन करना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, कहाँ कमी है और उस कमी को फिर भरपूर करना है तो आगे निकल जाएंगे। ठीक है, तो देखिए पहले बुद्ध के अष्टांग मार्ग। अष्टांग मार्ग क्या क्या है, पहले तो ये समझ ले कि बौद्धों की प्रतीक ये अष्टांग मार्ग 8 स्तंभों की तरह है, या उसको ऐसे कहते हैं बौद्ध धर्म के प्रतीक ये 8 अष्टांग मार्ग, 8 ताड़ियों की तरह है। ताड़ियों यानी स्पॉक्स होता है ना, उस तरह से। तो बौद्ध की अष्टांग मार्ग क्या है, बौद्ध की अष्टांग मार्ग क्या है, पहली है सम्यक दृष्टि, इंग्लिश में राइट परसेप्शन। सम्यक दृष्टि क्या है, उनके कहने के अनुसार हमारी दृष्टि सम्यक होनी चाहिए। सम्यक यानी कि सही और अच्छी दृष्टि, सही और अच्छी दृष्टि। सम्यक यानी कि राइट परसेप्शन, सम्यक दृष्टि। तो बुद्ध के कहने के अनुसार सम्यक दृष्टि उनके जो 4 आर्य सत्य है, उन 4 आर्य सत्य में ये अष्टांग मार्ग 1 आर्य सत्य है। तो सम्यक दृष्टि के मतलब इन 4 आर्य सत्य को तुम्हें मानना चाहिए, जैसा दुनिया में हो रहा है क्या सच है क्या झूठ है, क्या सत्य है क्या असत्य है, इसकी ओर तुम्हें दृष्टि सही रखनी पड़ेगी। क्योंकि वो कहते हैं कि संसार में दुख है, उनकी 4 आर्य सत्य में, और दुख के कारण तुम्हारी तृष्णा, तुम्हारी इच्छाएं हैं, और दुख से निकला जा सकता है और निकलने का मार्ग है। ये बात को जिसने समझ गया उसकी दृष्टि सम्यक हो गई, राइट परसेप्शन, इसको समझ लिया कि माया है और यहाँ पर सत्य भी है, और माया में मैं दौड़ भाग जितना भी करूँ
मुझे परम शांति की प्राप्ति कभी नहीं होगी। ये बात को जिसने समझ लिया उसके सम्यक दृष्टि आ गई। क्लियर ये पॉइंट? उसके बाद कहते हैं सम्यक विचार, राइट थॉट, सम्यक विचार या सम्यक संकल्प। हमारे अंदर में जब हम संकल्प थॉट लेते हैं वो भी सही थॉट होने चाहिए, सही विचार होने चाहिए। अब सही विचार यानी कैसे विचार से? लोगों को तो लगता है मैं जो भी विचार ले रहा हूँ सही है, यहाँ पे कौन सी सही विचार की बात की जा रही है? यानी कि ये थॉट, ये संकल्प लेना कि मैं इन चार सत्य को, चार आर्य सत्य को मानूंगा, इस पे चलूंगा और मैं निर्वाण को प्राप्त करूंगा। उस निर्वाण को प्राप्ति के लिए मैं ये संकल्प ले रहा हूं, उस संकल्प को लेना है, उस संकल्प पे अटल होकर आगे चलना है। यह है सम्यक संकल्प। फिर कहते हैं सम्यक वाणी यानी कि राइट स्पीच। हमारी स्पीच राइट होनी चाहिए, सम्यक वाणी होनी चाहिए। सम्यक वाणी यानी कि हम अपने वाणी से कोई भी कटु वचन ना बोले जिससे दूसरे को दुख पहुंचे, मीठा वचन बोले। आपके शब्दों से किसी और को दुख पहुंच रहा है ऐसा वाणी कतई ना बोले। सत्य वाणी बोले। तो देखिए कहते हैं राइट परसेप्शन, राइट थॉट, थॉट के बाद राइट स्पीच, सम्यक वाणी, उसके बाद उनका जो है सम्यक कर्मता, मतलब सम्यक कर्म, राइट डीड्स एक्शंस। हमारी जो कर्म होनी चाहिए वो सही होनी चाहिए, सम्यक होनी चाहिए। हमारे कर्मों के वजह से समाज में किसी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। हमारे कर्मों के वजह से किसी भी जीव को दुख नहीं पहुंचना चाहिए। हमारे कर्म सम्यक होने चाहिए निर्वाण की ओर लेके जाने के लिए। तो ऐसा कर्म ना करें जिस कर्म से आपकी भी दुर्गति होगी और दूसरे की भी दुर्गति होगी। तो सम्यक कर्म कहते हैं। फिर कहते हैं सम्यक जीविका, सम्यक जीविका यानी राइट लाइवलीहुड, जीवन निर्वाह के लिए सम्यक जो जीविका है उसके लिए ऐसा व्यापार कुछ ना करे जिसे आपके लिए भी हानि हो दूसरे के लिए भी हानि पहुंचे। आप शराब की व्यापार कर रहे हैं, शराब की जब आप व्यापार कर रहे हैं तो इस कर्म से, इस जीविका से, आपका जो जीविका मिल रहा है ना शराब बेचकर पैसा आपको मिल रहा है, उसी पैसा से आप अनाज खरीदते हैं, चावल दाल खरीदते हैं, तो अपना जीवन चल रहा है। लेकिन जो शराब का जो व्यापार कर रहे हैं, जो शराब पी रहा है उसका जीवन तो खराब हो रहा है, उसके पूरे परिवार का जीवन खराब हो रहा है। तो जितना मद भांग मदिरा ये सब की व्यापार आप ना करें। यहाँ तक बुद्ध कहते हैं कि मांस का व्यापार मत करो, मांस का व्यापार भी इससे दूसरे जीव की हत्या हो रही है, हिंसा हो रही है और तुम उसे अपना जीविका उपार्जन कर रहे हो, ये गलत कर्म है कि दूसरे की हत्या करके, जीव हत्या करके तुम अपनी जीविका
उपार्जन करे। शास्त्रों की व्यापार मत करना, तरीका से कुछ भी नहीं करना है एक्स वाई जेड जिसे समाज के लोगों के या दूसरे जीव की हानि पहुंचे, उससे अपना जीविका नहीं करना है, ठीक है, ये कहते हैं वो। उसके बाद राइट प्रैक्टिस यानी कि सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सही प्रैक्टिस होनी चाहिए, एफर्ट्स, यानी कि जो आर्य सत उन्होंने बताया निर्वाण प्राप्ति के लिए हमें जो जो चीज़ों की ज़रूरत है उसकी हम रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, रेगुलर चीज़ों के हम हर रोज़ अपने अभ्यास में ला रहे हैं और अपने अंदर वो वृत्ति बना रहे हैं, वो विचार उत्पन्न कर रहे हैं, समय विचार आगे बढ़ने के लिए, तो इस तरीका का रेगुलर प्रैक्टिस करें, सम्यक प्रैक्टिस होनी चाहिए, सम्यक व्यायाम। हाँ, फिर सुनिए, उसके बाद है सम्यक ध्यान यानी कि राइट कंसंट्रेशन। तो सम्यक एकाग्रता कैसे आ सकती है, देखिए मैं बता रहा हूँ, मानसिक और शारीरिक भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहने से ध्यान में एकाग्रता का अनुभव होता है। इसीलिए शारीरिक और भोग विलास जो मानसिक इन वस्तुओं के पीछे दौड़ भाग करते रहेंगे, चिंतन चलते रहेगा, थॉट्स चलते रहेगा, तो आपके मन में ध्यान में कभी भी वह एकाग्रता आएगा ही नहीं जिसे आप समाधि में पहुँचेंगे, निर्वाण को प्राप्त करेंगे। क्योंकि समाधि में ठीक पहुंचने से पहले ध्यान में एकाग्र आपको होना पड़ता है। अगला जो मैंने 6 सीरीज बताया सीक्वेंस में, ये अगर आपके अंदर नहीं है तो आप पक्का है आपका चित्त एकाग्र होगा ही नहीं ध्यान में। आप ध्यान में बैठेंगे बहुत सारे विचार आने लग जाएंगे, विचार इधर से उधर दौड़ने लग जाएंगे, चित्त इधर से उधर भटकने लग जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि शारीरिक और मानसिक भोग विलास की वस्तुओं से दूर रहने से ध्यान में एकाग्रता की अनुभव होता है। और जब एकाग्रता की अनुभव होने लगेगा, जब आप एकाग्र हो जाएंगे, उस एकाग्र से उस पॉइंट से ही समाधि में आप छलांग लगाएंगे। और राइट समाधि मेडिटेशन क्या है, उस समाधि लगने के बाद आप निर्वाण को प्राप्त हो गए। निर्वाण क्या है, निर्वाण को प्राप्त होने का मतलब है आप मिट गए और निर्वाण रह गया। निर्वाण प्राप्त करने का मतलब आप मिट गए, आप खत्म हो गए, आपकी अपनी व्यक्तिगत मौजूदगी नहीं है, तो वही है सम्यक निर्वाण। और जिस दिन ये शरीर को भी आप ड्रॉप आउट करेंगे उसे कहते हैं बुद्ध महापरिनिर्वाण, जैसे कि क्राइस्ट उसको सेल्वेशन कहते थे, शब्दों का फर्क है। तो ध्यान में एकाग्र होने के लिए ये बाकी ऊपर वाला जो सीरीज है ये आपके अंदर में ये सारे गुण डेवलप होना पड़ेगा, तभी आप एकाग्र होंगे। नहीं तो आप 10 साल 20 साल से ध्यान तो कर रहे हैं लेकिन ये बाकी जो मैंने कहा वन बाई वन ये आपके अंदर डेवलप हुई ही नहीं है, तो ध्यान में एकाग्र ही नहीं होंगे। आंखें बंद करके ध्यान करने से ध्यान नहीं होगा, वो ध्यान में एकाग्र आपको होना पड़ेगा, तब आप राइट समाधि तक पहुंचेंगे। अच्छा, आप पतंजलि का हम सुनते हैं, पतंजलि की महर्षि पतंजलि की अष्टांग मार्ग, उनका है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि। तो बुद्ध का भी 8वां जो पॉइंट है समाधि, पतंजलि का भी 8वां पॉइंट क्या है समाधि, ध्यान समाधि, इनका भी एकाग्रता राइट कंसंट्रेशन और समाधि 7वां जो पॉइंट है, और 8वां समाधि, इनका भी 7वां क्या है ध्यान और समाधि। तो पतंजलि कहते हैं कि यम, पहला उनका है यम। अब यम में 5 चीज़ें आती है उनका,
ये पांच चीज़ें तुम्हारे अंदर डेवलप होनी पड़ेगी, तभी तुम्हारे वो संस्कार आएंगे। क्या क्या ये पांच चीज़ें हैं? अहिंसा, सत्य, असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिहार्य। ये पांच चीज़ यम के अंदर आते हैं। अहिंसा क्या है? वो कहते हैं मन, शरीर और वाणी से किसी को भी किसी भी प्रकार का दुख पहुंचाना अहिंसा है। अब आप लोग कितना अहिंसा करते हैं, ऐसे वाणी बोल देते हैं, गाली दे देते हैं, गुस्सा कर देते हैं, ये क्या है? अहिंसा है। आप योगी नहीं हो, सही ध्यान से समझना है। मन, वाणी, शरीर से किसी भी प्रकार का किसी को भी किसी भी तरह का दुख पहुंचाना ही अहिंसा है। सत्य, अब सत्य क्या है? मतलब कि आप जो देखते हैं, जो सुनते हैं, जो अनुभव किया है, वैसा ही दूसरे के हितकारी के लिए बोलना है, प्रेम से बोलना है, जिससे दूसरे के दुख ना पहुंचे, यह सत्य है वो कहते हैं। तो सत्य, असत्य मतलब चोरी ना करना, किसी भी तरह का चोरी ना करना, मानसिक चोरी भी और शरीर से भी कोई चीज वस्तु का चोरी ना करना, यह असत्य है। मन से भी बहुत सारे लोग चोरी करते हैं, मन में वो विचारें आती है, सोचते हैं। तो आप अपने संस्कार को देखो, आप कैसा संस्कार है। ऐसा अगर संस्कार बना है आपके अंदर में, ऐसा रिजॉल्व्स एटीट्यूड्स अगर बना हुआ है, वृत्ति, तो आप कैसे एक ध्यानी बन सकते हैं, कैसे आप योगी बन सकते हैं। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य में कहते हैं तुम ऐसे आहारों का सेवन ना करो जिससे तुम्हारे अंदर उत्तेजना पैदा हो और वीर्य नाश हो। वीर्य की रक्षा करो, वीर्य तुम्हारा जीवन है, शक्ति है। ऐसे अश्लील किताबों के ना पढ़ो जिसे तुम्हारे अंदर अश्लील विचारे आए। ऐसे अश्लील चीज़ों को ना देखो जिसे तुम्हें अश्लील विचारे आए, सेक्सुअल थॉट्स, सेक्सुअल इंडल्जेंस। ऐसे स्त्रियों या पुरुष के साथ में ना रहो जिसे तुम्हारे अंदर में उत्तेजना पैदा होता है, वो स्त्री का ऐसा संग ना करो जिसके वजह से तुम्हारे अंदर में ऐसे विचारे दौड़ती है, रहती है, आती है, इससे तुम्हारे ध्यान साधना में बाधा उत्पन्न होगी। तो ब्रह्मचर्य के पालन करो कहते हैं, नहीं तो तुम मन में ये सब विचार आते रहेंगे, सोचते रहोगे, तुम ध्यान साधना में आगे कैसे बढ़ोगे। तो अपने वीर्य की रक्षा करो हर प्रकार से, और ऐसी किताबें, ऐसे वीडियोस, ऐसे लोगों के साथ ऐसे संग ना करोगे तो तुम्हारे अंदर विचार भी नहीं आएंगे। ऐसे आहार का सेवन ना करोगे तो वीर्य की रक्षा कर पाओगे। वीर्य जीवन है, वीर्य शक्ति है, ये कहते हैं। उसके बाद अपरिहार्य, अपरिहार्य मतलब गलत तरीका से अन्याय करके, इलीगल वे, किसी के धन संपत्ति को हड़प करके अपना प्रभुत्व मत जमाना, अपना स्वामित्व मत जमाना। गलत तरीका से किसी की संपत्ति को, जमीन जायदाद को हड़प लेना ही अपरिहार्य है, तो ये मत करना। ये अगर पांच प्रकार की यम को मानते हो अंदर में, तुम्हें मानना ही है, और ये भी गुण है, तो तुम समाधि तक कभी भी नहीं पहुंचोगे, तुम्हें निर्वाण की प्राप्ति कभी भी नहीं हो सकता है। नियम में क्या बताते हैं? नियम में भी पांच चीजें बताते हैं। नियम के अंतर्गत पांच चीजें हैं। क्या है? स्वच्छ। स्वच्छ क्या है? एक तो अपने जहां जिस स्थान पर रहते हो, अपने रूम, घर द्वार, स्वच्छ, क्लीनलीनेस, स्वच्छ मीन्स क्लीनलीनेस, साफ सुथरा करके रखो। और अपने अंदर के भी राग द्वेष, मन में जो दुख द्वेष क्लेश है, राग द्वेष, मन की गंदगी, ये आंतरिक स्वच्छ भी करो। स्वच्छ में दो चीज़ें, एक तो बाहरी स्वच्छ, शरीर की भी बाहरी स्वच्छ, घर द्वार के भी स्वच्छ, और अंदर की भी स्वच्छता लानी जरूरी है। अगर आप त्याग नहीं कर पा रहे हैं राग द्वेष, गुस्सा, आप नहीं कर पा रहे हैं, तो कौन भोगेगा उसको? आप ही भोगेंगे ना, मैं तो भोगने नहीं जाऊंगा, दुख तो आपको होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि इनर क्लीनलीनेस भी होनी चाहिए और आउटर क्लीनलीनेस भी होनी ही चाहिए स्वच्छ में। संतोष, अब संतोष का मतलब समझ लेना है।
आप सही कर्म करते हुए उसकी जो भी परिणाम आता है उस परिणाम को लेकर संतोष होना है। यानी कि आप राइट एक्शंस क्रिएट करें, सही कर्म करें और सही कर्म का जो भी परिणाम होता है उसको लेकर संतोष रहे। चाहे जिस भी परिस्थिति में या अवस्थाओं में आपके अंदर कोई इच्छाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, यही संतोष है। बहुत गहरी बात है, ध्यान से समझना है। संतोष यानी कि आपको सही कर्म करना है और सही कर्म का जो परिणाम होगा, जो रिजल्ट्स होगा, उसको लेकर आपके अंदर में संतोष होनी चाहिए। और कोई भी परिस्थिति या अवस्थाओं में आपके अंदर कोई इच्छाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए कि ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, क्योंकि आपने ही तो ये कर्म किया है और उसी कर्म का तो ये परिणाम है, तो उस परिणाम में आपको संतुष्ट होना चाहिए। कोई यहाँ पर व्यक्ति है कि ये मेरे साथ आज जो भी घटनाएं घटती है वो मैं कर्म नहीं किया हूँ, मेरे साथ दूसरे लोग बुरा कर रहे हैं, आज आप जाएंगे देखेंगे तो आज पूरा साइंस भी क्लियर कर दिया है कि हमारे जो भी कर्म, हम जो भी कर्म करते हैं उसके रिजल्ट से हम तक पहुंचता है। एवरी एक्शन हैज इट्स इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन। तो जब भी आपके साथ परिणाम आपके कर्मों का आ रहा है उसमें संतोष रहे। क्लियर? संतोष की बात। तप क्या है? तप यानी कि वही जो बुद्ध कहते थे ना, प्रैक्टिस इफोर्ट्स। तो यहाँ में भी तप करना है आपको। अब तप क्या, आपको सही तरीका से एक्सरसाइज करना है, मेहनत करना है, कर्म करना है, योगा करना है, तो ये सब तप है। ये तप चाहिए। अब सुबह आप सोए रहेंगे देर तक, कितने लोग अभी भी सोए होंगे, और कोई सुबह उठकर तप कर रहा है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, प्राणायाम कर रहा है, योगा कर रहा है, कुछ पाने के लिए वो तप रहा है। जैसे कोई सिंगर बनना चाहता है तो वो 8 साल 10 साल तक वो प्रैक्टिस करता है गाना गाने का, 4-5 साल तक लगा ही रहता है, वो तप है उसका। यही तो तप है। कोई भी चीज़ की प्राप्ति के लिए हमें अपने आप को मानसिक और शारीरिक रूप से तपाना पड़ता है। बिना तपाए कभी भी आपको कोई भी अच्छी चीज़ की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये तप है, समझ में आया? तप। उसके बाद स्व अध्याय। स्व अध्याय का मतलब है कि आध्यात्मिक चीजों की अध्ययन करना, स्वयं तुम्हें अध्ययन करना है समाधि तक पहुंचने के लिए। यानी कि उपनिषद, वेद या होली बुक्स या मैसेंजर्स या जितने भी आत्मज्ञानी हैं उन्होंने जो लिखा है, जो बताते हैं, समझाते हैं, उसको अध्ययन करना है। स्व अध्याय मतलब स्वयं अध्ययन करना है उसे। ये नहीं करोगे तो भी फंस जाओगे, तो तुम्हें स्व अध्याय करना है। ईश्वर परिनिधान। ईश्वर परिनिधान का मतलब है तुम्हें ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम होनी चाहिए, अटूट विश्वास, आस्था होनी चाहिए। अगर परमात्मा के प्रति तुम्हारे अंदर भक्ति, डिवोशन, फेथ, लव है ही नहीं तो तुम कैसे पहुंचोगे वहां तक? तो ये तो नियम के अंदर ही ये 5 चीजें उन्होंने बता दिया, यम के अंदर 5 चीजें बताए। तो ये सारे गुण हमारे अंदर डिवेलप होंगे। ये पतंजलि के जो 8 अंग है ये एक साथ साथ डिवेलप होना पड़ेगा। जैसे शरीर के आपके सारे अंग एक साथ साथ डिवेलप होते हैं, इसी तरह से योग साधना में जब आएंगे तो ये 8 अंग डेवलप होना पड़ेगा, तब पूर्णतया को आप प्राप्ति करेंगे। तब कहते हैं आसन। आसन, सही आसन भी लेना है। अभी जैसे आप लोग बैठे हैं या एक एक आसन में बैठे हैं, समझ रहे हैं ना, ये आसन में बैठना है।
पतंजलि कहते हैं कि आसन, देखिए ये है सुखासन, हम सुखासन पे बैठे हैं, सिद्ध आसन, बुद्ध इसी आसन में बैठा करते थे, ये क्या है सिद्धासन। फिर पद्मासन है, इसको उठाकर और इस पैर को उठाकर हमने क्या किया, ऐसे बैठ गए, ये क्या है पद्मासन, अभी हम पद्मासन में बैठे हैं। कैसे ध्यान से आप लोग बैठिए एक बार पद्मासन में, इसमें सिर्फ पद्मासन में बैठेंगे तो आपके शरीर की बहुत सारी बीमारी दूर होगी और इसकी जो बैठने की जो फिजियोलॉजी है इसके वजह से आपके अंदर में नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। इस तरह से आप जब बैठ के देखिए आप, आपके अंदर नेगेटिव विचार नहीं आएंगे। पद्मासन, इस पैर को इस पे उठा के इस पैर को इसे उठाकर, सिर्फ इसमें आप बैठिए, कुछ भी ध्यान भी ना करेंगे सही आसन में, हर रोज आप आधा घंटा दो घंटा या 20 मिनट 25 मिनट भी बैठा कीजिए, 10 मिनट ही बैठा कीजिए, तो आप धीरे धीरे अपने आप ध्यान में चले जाएंगे सही आसन में बैठेंगे तो। तो आसन कितने बताते हैं, आसन जितने जानवर है इस पृथ्वी पर, हर जानवर जिस तरीका से बैठते हैं वो एक एक आसन है, ये भी आसन, तीन तो मैंने ये बता दिया। अब जानवर को ऑब्जर्व करना है, चिड़िया कैसे बैठती है, दो पैरों में चिड़िया की तरह बैठना, ये भी क्या है आसन है। बाघ कैसे बैठ रहा है, ये भी एक आसन है। गाय कैसे बैठती है, वो भी एक आसन है। सब आसन है ये, ठीक है, बहुत आसन है। मोर देन 84 आसन मिलेंगे आपको बैठने के लिए तरीका, तो उनमें से आपको पकड़ के इस तरह से बैठना है। गॉट इट, आसन कहते हैं। उसके बाद प्राणायाम, प्राणायाम हमें लेना है, ब्रेथ। और आपको पता है ब्रेथ एक ऐसा टूल है कि ब्रेथ से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, यू कैन कंट्रोल योर माइंड। और ब्रेथ यानी वो प्राणायाम कहते हैं ब्रेथ को, साइंस में तो हम ऑक्सीजन कहते हैं लेकिन इस फील्ड में कहा जाता है, अध्यात्म के फील्ड में या योग के फील्ड में, ये ब्रेथ हमारा जीवन शक्ति है, लाइफ फोर्स है ये, जीवन शक्ति हमारे अंदर आती है, प्राण कहते हैं इसे हम। और ये प्राण का आयाम यानी विस्तार होना, कहाँ विस्तार होना, हमारे पूरे नाड़ियों में विस्तार होना, प्राण ऊर्जाओं का विस्तार होना, प्रवाहित होना। प्राणायाम कितने प्रकार के प्राणायाम है, जो भी है, भस्त्रिका हो, बाह्य प्राणायाम हो, अनुलम विलोम हो, उज्जयिनी हो, हठ योग में भी है, पतंजलि में भी है, विभिन्न प्रकार के प्राणायाम से, कुंभक का प्राणायाम से, कई प्रकार के कुंभक प्राणायाम से, हम प्राणायाम से कभी बात करेंगे, दिखा एक एक करके मैं दिखा दूंगा आपको। तो प्राणायाम करना है जिससे कि हमारे अंदर की सूक्ष्म जो शरीर है उसमें कोई भी अगर ब्लॉकेजेस है वो क्लियर हो जाए। अब सूक्ष्म शरीर में क्या ब्लॉकेजेस हो सकता है, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी आपके अंदर कहीं है, कोई नफरत, हेट्रेड, एंगर, जेलस, कंपेरिजन, ग्रीड, ये सब आपके सूक्ष्म शरीर में कहीं ना कहीं है। तो सही तरीका से प्राणायाम करेंगे और आगे मैंने जो कुछ भी बताया इसका अभ्यास करेंगे तो आपका सूक्ष्म शरीर प्योर होते चला जाएगा, प्योरिटी पॉजिटिव होते चला जाएगा, देन ऑल द गुड एनर्जीज आर फ्लोइंग इन योर सटल बॉडी। अब आप तैयार हो गए हैं अच्छा से, उसके बाद कहते हैं धारणा, प्राणायाम, उसके बाद प्रत्याहार, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार। प्रत्याहार का मतलब क्या है, हमारे जो पंच इंद्रिया है, पंच इंद्रिया अपने विषय में हमेशा व्यस्त हैं, फाइव सेंसेस आर ऑलवेज इंडल्ज विथ देयर सब्जेक्ट्स। अब आँख की सब्जेक्ट क्या है, रूप, रूप है ना, आँख क्या चीज़ें देखता है, रूप को देखता है। कान का विषय क्या है, शब्द। टांग का विषय क्या है, स्वाद, खाना पीना ये सब। नाक का विषय सुगंध, स्किन का विषय स्पर्श। तो ये पंच इंद्रिया अपने विषयों में हमेशा तत्पर है, व्यस्त है। तो वो कहते हैं प्रत्याहार का मतलब है विथड्रॉल,
विदड्रॉल योर फाइव सेंसेस फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स। ये फाइव सेंसेस का बाह्य जो सब्जेक्ट्स है, इन बाह्य सब्जेक्ट से अपने फाइव सेंसेस को विदड्रॉल करना है, मतलब उसको खींच के अंदर की ओर लाना है, अपने इंद्रियों को जो बाहर की ओर हमेशा इंद्रिय तृप्ति में, इंद्रिय सुख में भाग रही है, उनको खींच कर विषय भोग की तृप्ति से खींच कर अंदर मोड़ना है, इंद्रियों को अंदर की ओर लाने को ही कहते हैं प्रत्याहार। विदड्रॉल योर सेंसेस फ्रॉम देयर सब्जेक्ट्स, फ्रॉम द एक्सटर्नल सब्जेक्ट्स टू योर इनर वर्ल्ड, प्रत्याहार। देन धारणा, धारणा का मतलब है कि कोई भी एक चीज पे, पॉइंट पे, चाहे वो आपके अंदर ही कोई इमेज हो, कोई डॉट हो या श्वास हो, कुछ भी हो, किसी एक ध्येय वस्तु पर हम जब ध्यान लगाने जाएंगे ऐसे, तो उस ध्यान लगाने की प्रक्रिया को जब हम ध्यान लगा रहे हैं उसे कहा जाता है, हम धारणा, धारणा कहा जाता है। ऐसे भी लोग धारणा भी देते हैं बाहर, कोई एक टॉपिक को लेकर कुछ लोग दो चार दिन, चार दिन तक धारणा देते हैं। इसी तरह से हमने कोई एक चीज़ पे हम धारणा दे रहे हैं, कोई किसी भगवान के भी फोटो हो सकता है, कोई ध्यान की विधि है, उस ध्येय वस्तु पे आप जब इस तरह से टिक गए हैं, ध्यान कर रहे हैं, उसे हम धारणा करते हैं। अब देखिए, धारणा में आपका चित्त जो है अशांत ही रहता है, मन में बहुत सारे विचार आती रहती है, जाती रहती है, इधर से उधर जाते रहता है। योर माइंड इज रेस्टलेस बिकॉज लॉट ऑफ थॉट्स आर कमिंग एंड गोइंग। धारणा में कि आप धारणा की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जब धारणा कर रहे हैं उसके बाद कहते हैं ध्यान। ध्यान में विचार जो है लगभग आपका रुक जाते हैं। ध्यान किसे कहते हैं, जिस ध्येय वस्तु पे आप धारणा दे रहे थे और उस पे ध्यान लग गई, यानी कि और जो विचार चल रहे थे वो विचार लगभग समाप्त हो गए, एक दो विचार हैं जो कि आपको डिस्टर्ब नहीं करे, आप एकाग्र हो गए हैं। आप जिस ध्येय वस्तु पे एकाग्र हो गए हैं, आपका चित्त एकाग्र हो गया है, ये है क्या, ध्यान। तो असली ध्यान में आप पूरे एकाग्र हो जाते हैं उस ध्येय वस्तु पे, यहाँ तक कि असली ध्यान में आप भी नहीं हैं, मतलब आपका ये भान नहीं है कि मेरा शरीर, मेरा मन, कोई ध्यान किया जा रहा है। असली ध्यान में वो सिर्फ वो वस्तु, ध्येय वस्तु ही दिखता है, उसको भी पता नहीं है मेरा बॉडी है, मेरे माइंड है, मेरा नाम पता, वो थोड़ा देर के लिए डिटैच हो जाता है। असली ध्यान में ध्येय वस्तु पे ही बस ध्यान लगता है। और समाधि, वो ध्येय वस्तु पे जब उसका ध्यान लग रहा है, वो ध्येय वस्तु भी उसको ध्यान लगाते लगाते, एकाग्र होते होते वो भी खत्म हो जाता है। और ये जो ध्यान कर रहा था और ध्येय वस्तु पर जो ध्यान लगा रहा था, ये दोनों खत्म, और ध्यान की जो प्रक्रिया, ये सब खत्म होकर एक यूनियन, एक समाधि में आप चले गए। यहाँ पे ना ही ध्यान करने वाला कोई बचा है, ना ही ध्येय वस्तु बचा है, और ना ही ध्यान करने की प्रक्रिया बची है, ये तीनों सब गायब हो गए। तो आप पूरे ब्रह्मांड के साथ, अस्तित्व के साथ एक हो जाते हैं। यू आर नाउ इन द यूनियन विद द होल एग्जिस्टेंस, द प्योर कॉन्शियसनेस विथ परमेश्वर, दैट इज यू कैन कॉल। तो ये कहते हैं कि समाधि, इसी समाधि को कहते हैं कि तुम्हें अब समाधि प्राप्त हो गई। तो बुद्ध के भी अष्टांग मार्ग समाधि और पतंजलि के भी अष्टांग मार्ग समाधि तक लेके जाती है। और इन दोनों मार्ग को मैं एक जगह आपको दिखाया, और दोनों मार्ग के शुरुआती जो जर्नी है, उन गुणों का अगर आपने डेवलप ही नहीं किया है तो आप कैसे एकाग्र होंगे ध्यान में, तो ध्यान में आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। इसीलिए अति सूक्ष्म रूप से अंदर मुड़ना है, अंतर्मुखी होना है, और अपने आप को, इन सारे गुणों को खोजना है, देखना है कि मेरे अंदर में ये सब गुण डेवलप्ड हुई है या नहीं। अगर नहीं हुई है तो मुझे इस पर काम करना है, मुझे डेवलप करना है, और डेवलप करके मुझे ध्यान समाधि तक पहुंचना है, नहीं तो आप कभी नहीं पहुंचेंगे। और आप का जो आहार है, आपका जो विचार है, दृष्टि है, कर्म है, ये सब विपरीत है, और आप सोचेंगे कि मैं ध्यान करके ध्यान करूँ, नहीं हो सकता है। इसलिए यहाँ पे ऑफलाइन में कितने लोग आते हैं, वो ध्यान करते हैं लेकिन असली ध्यान थोड़ी होता उनका। मैं जो बताया असली ध्यान क्या है, वही ध्यान है।
वो तो बैठते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए ये एक सीक्वेंस है, तभी वहाँ पे पहुँचेंगे। गलत आहार का सेवन करेंगे, गलत विचार आएंगे, गलत दृष्टि रहेगी आपकी, गलत कर्म होंगे, चित्त अशांत होगा, गलत तरीक़ा से जीविका उपार्जन कर रहे हैं, तो आप बैठेंगे तो आपको लग रहा है कि आप पीसफुल हो जाएंगे। जैसा आपने बना के रखा है ध्यान में भी पूरे डिस्टर्ब रहेंगे आप। आई होप आप लोगों ने समझ चुके होंगे मैंने जो कुछ भी बताया, तो कृपया आप अपने अंदर ध्यान दें और इन गुणों को डेवलप करें और पूरे ध्यान समाधि तक पहुँचे, निर्वाण को प्राप्त करें, यही हमारे जीवन का लक्ष्य है।